हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड आईई रूल का पार्ट टू वीडियो। अगर आपने पार्ट वन वीडियो नहीं देखा है तो पहले पार्ट वन वीडियो को देखें और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है वेरियस डायग्राम प्लान्स एंड लेआउट। तो आइए इसके बारे में जानते हैं, वेरियस डायग्राम प्लान्स और उसका लेआउट के बारे में। द डायग्राम स्विंग्स प्रैक्टिकल इम्प्लीटेशन ऑफ द स्केमेटिक डायग्राम विथ कनेक्शन मेड ऑन द इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स आर कोल्ड वायरिंग डायग्राम। द स्केमेटिक इज ऑल्सो कोल्ड सर्किट डायग्राम। तो क्या होता है, ऐसा डायग्राम जो हम लोग को प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दे, जिससे हम लोग प्रैक्टिकली वैसा डायग्राम जिससे हमें प्रैक्टिकली पता चल सके कौन सा एसेसरीज कहाँ लगा हुआ है, एसेसरीज का कनेक्शन कैसा है, फेज वायर कहाँ कनेक्टेड है, लाइव वायर कहाँ कनेक्टेड है, वैसा कनेक्शन ड्राइंग को हम लोग बोलते हैं वायरिंग डायग्राम, और उसका स्केमेटिक डायग्राम को हम लोग बोलते हैं उसका सर्किट डायग्राम। तो आइए हम लोग इसमें देखते हैं क्या क्या होता है। तो फर्स्ट हम लोग का है वन लैम्प कंट्रोल बाय वन स्विच। तो एक लैम्प है, उसको हम लोग एक स्विच से कैसे कंट्रोल करते हैं देखते हैं। तो उसका जो न्यूट्रल पॉइंट रहता है उसको हम लोग लाइट के साथ, लैम्प के साथ जो है कनेक्ट करते हैं, और उसका एक टर्मिनल स्विच के साथ कनेक्शन रहता है। उसका एक वायरिंग डायग्राम दिया हुआ है और एक स्केमेटिक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट टू लैम्प कंट्रोल बाई टू स्विचेस। इसमें भी वही न्यूट्रल जो है बोथ से कनेक्टेड रहेगा। किसी भी कनेक्शन में क्या होता है कि न्यूट्रल जो पॉइंट रहता है वो जो मतलब हमारा लोड है, लोड जैसे, लोड का मतलब क्या, जो फैन हो गया, जो लाइट हो गया, उससे कनेक्ट रहेगा, और जो फेज रहेगा वो स्विच से कनेक्ट रहेगा। तो टू लैम्प कंट्रोल बाय टू स्विचेज में वही है कि न्यूट्रल जो है वो बल्ब वन या फिर लाइट वन से कनेक्टेड है, और उसी तरह इधर मतलब सेकेंड जो एल टू है उससे भी न्यूट्रल कनेक्टेड है, और उसका जो फेज है वो स्विच से कनेक्टेड है। चलिए थर्ड कंडीशन हमारे पास है कंट्रोल ऑफ टू लाइट एंड वन फैन बाय थ्री इंडिविजुअल स्विचेस कंट्रोल ऑन वन बोर्ड। तो वन बोर्ड में थ्री डिफरेंट स्विचेस का यूज़ करके हम लोग दो लाइट और एक फैन का कनेक्शन कैसे करते हैं, तो आइए देखते हैं। तो सेम प्रोसेस है कि न्यूट्रल जो रहेगा वो लोड से कनेक्टेड रहेगा, तो तीनों लाइट से न्यूट्रल कनेक्टेड है, और उसका जो फेज है वो स्विच से कनेक्टेड रहेगा, और जो लाइट का दूसरा वायर है वो भी स्विच से कनेक्टेड रहेगा। तो इसका भी एक वायरिंग डायग्राम है और एक स्केमेटिक डायग्राम है। स्केमेटिक डायग्राम में आपको फैन के ऊपर एक रेजिस्टेंस के टाइप का कुछ दिख रहा होगा, वो रेगुलेटर है, फैन का रेगुलेटर। चलिए वन लैम्प कंट्रोल बाय टू स्विच और स्टेयर केस वायरिंग। इसमें क्या होता है कि एक बल्ब दो स्विच से कंट्रोल होता है, इसको हम लोग स्टेयर केस वायरिंग भी कहते हैं। इसमें कुछ नहीं है, दोनों स्विचेस जो है वो सीरीज में कनेक्ट रहेंगे। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टू वे स्विच। टू वे स्विच हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं कॉरिडोर लाइटिंग में। तो आइए कॉरिडोर लाइटिंग पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसका कंडीशन को हम लोग देखें, ये टू वे स्विच कैसे काम करता है। इन दिस सिस्टम एब कॉरिडोर लाइटिंग इन दिस सिस्टम एवरी लैम्प इज हैविंग टू कंट्रोल स्विचेस, वन विल बी कॉरिडोर एंड अदर विल इनसाइड द बंगलो। तो कॉरिडोर लाइटिंग में हम लोग क्या करते हैं कि दो स्विचेस देते हैं, जो एक स्विच कॉरिडोर में रहता है और एक स्विच आपका इनसाइड द बंगलो रहता है। तो देखते हैं दोनों स्विच किस तरह से काम करता है। तो हम एक टेबल बनाया है जिसमें एस वन एस टू और आउटपुट है। तब जब स्विच S1 ऑन रहेगा और स्विच S2 ऑफ रहेगा तो बल्ब विल ग्लो। अगर स्विच S1 ऑफ रहेगा, स्विच S2 ऑन रहेगा तो बल्ब विल ग्लो। अगर बोथ ऑन रहेगा तो बल्ब विल ग्लो, अगर बोथ ऑफ रहेगा तो बल्ब विल नॉट ग्लो। इससे हम लोग क्या समझ में आता है, किसी एक भी स्विच अगर ऑन है तो वो बल्ब ग्लो करेगा, अगर दोनों स्विच एक ही टाइम पे ऑफ होगा तभी वो बल्ब ऑफ होगा। आइए इसका कनेक्शन को देखते हैं। यहाँ तीन बल्ब हम लोग लिए हैं, सेम कनेक्शन इसमें भी है कि न्यूट्रल जो है तीनों से कनेक्टेड रहेगा और फेज जो है स्विच से कनेक्टेड रहेगा। तो स्टेयर केस जो हमारा ये था आपका स्विच था, वही इसमें स्टेयर केस वाला स्विच ही यूज़ होगा। चलिए
इसके बाद हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है प्लांस एंड लेआउट ऑफ वायरिंग। तो प्लांस और लेआउट क्या क्या हम लोग यूज़ करते हैं वायरिंग के टाइम में। द वायरिंग लेआउट शुड बी प्लान्ड ऑन अ वायरिंग बोर्ड कीपिंग इन व्यू द अल्टीमेट यूज़ ऑफ बिल्डिंग। तो वायरिंग लेआउट जो है हम लोग प्लान करते हैं ड्राइंग बोर्ड पे, जिसमें हम लोग वो हर चीज़ उसमें दर्शाते हैं जिसका यूज़, जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बिल्डिंग। मतलब अगर कोई एसेसरीज ख़राब हो गया तो वायरिंग हम लोग ड्राइंग देख करके बता सकते हैं कौन सा एसेसरीज कहाँ लगा हुआ था, कितना वाट का कहाँ पर यूज़ किया हुआ है, ये सब हम लोग वायरिंग डायग्राम से बता सकते हैं। अ नंबर ऑफ लाइट एंड पावर पॉइंट इन अ बिल्डिंग इज डिटरमाइंड डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ ए रूम। नंबर ऑफ लाइट जो है पावर पॉइंट का बिल्डिंग का डिटरमाइन किया जाता है, साइज कितना बड़ा है रूम का, कितना लाइट उसमें यूज होगा, कितना फैन यूज होगा, ठीक है, उस हिसाब से हम लोग उसका पावर पॉइंट को डिजाइन करते हैं। मैक्सिमम वन आउटलेट शुड बी गिवेन इन ईच रूम कीपिंग फ्यूचर पर्पज इन माइंड। वन शुड ऑलवेज हैव एट लीस्ट 50% मोर आउटलेट देन रिक्वायर। तो देखिए क्या होता है कि फ्यूचर को देखते हुए जो आउटलेट है एक आउटलेट एक्स्ट्रा दिया हुआ रहता है हर एक रूम में, और जो हम लोग आउटलेट रूम में यूज़ करते हैं उसका इफिशियंसी जो 50% मोर लेकर के हम लोग उसको डिज़ाइन करते हैं। लैम्प एंड मोटर्स शुड बी कनेक्टेड ऑन डिफरेंट सर्किट। तो लैम्प और जो मोटर है वो दोनों, अगर इंडस्ट्रीज़ का बात करें तो लैम्प और जो मोटर रहता है वो दोनों डिफरेंट स्विच डिफरेंट कनेक्शन से कनेक्टेड रहेगा, सेम कनेक्शन से कनेक्टेड नहीं रहेगा। प्रॉपर लाइटिंग और इल्यूमिनेशन इंश्योर कंफर्टेबल लिविंग। द लाइट आर फिक्स्ड ऑन द वॉल और सीलिंग और वॉल। तो इसका मतलब क्या है कि लाइट का जो फिटिंग है उसको एक ऐसा जगह में हम लोग कनेक्ट करना चाहिए जहाँ से हम लोग का मतलब पूरा रूम अच्छा सा लाइटिंग हो जाए, उस हिसाब से प्लान करना चाहिए, ठीक है। द मेन कंट्रोल स्विच मस्ट बी लोकेटेड नियर द पॉइंट टू एंट्री ऑफ पावर। इट शुड बी इनसाइड द मॉडल केस। तो मेन कंट्रोल स्विच जो है वो जहाँ से हम लोग सप्लाई पावर लेते हैं और जो सप्लाई लाइन जो आता है आउट मतलब बाहर से जो आता है वहीं पर उसका मेन सप्लाई बोर्ड होना चाहिए और वो एक मॉडल केस के अंदर होना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें शॉर्ट सर्किट भी होता है तो उससे मतलब फायर होने का जो चांसेस होता है वो कम हो जाता है अगर मॉडल केस में रहेगा तो। द इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्री विच आर कनेक्टेड अबव 100 kV लोड मस्ट हैव इंडिपेंडेंट ट्रांसफॉर्मर सब स्टेशन। तो ऐसा इंडस्ट्रीज जिसके पास 1000 kV से अधिक लोड यूज़ करता है, ऐसा इंडस्ट्रीज उनके पास अपना एक अलग ट्रांसफॉर्मर सब स्टेशन होना चाहिए। परफॉर्मेंस एज वेल एज द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन डिपेंड टू अ ग्रेट एक्सटेंड अपॉन द स्विच बोर्ड शुड बी वेरी हाई। तो परफॉर्मेंस हम लोग जो मतलब इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन करते हैं उसका कॉस्ट भी ज़्यादा इफेक्टिव ना हो और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग चले, इसके लिए हम लोग डिज़ाइनिंग करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है IE रूल, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग। तो हम लोग क्यों पढ़ते हैं IE रूल, इसका सिग्निफिकेंट क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल। दीज रूल्स एंड रेगुलेशन हैव बीन फ्रेम बाय इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फॉर द फॉलोइंग पर्पस। ये रूल और रेगुलेशन एक फ्रेम देता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को ये फॉलोइंग रीजन के लिए। टू सेव द कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉर्ट्स। तो कंज्यूमर को इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड कराना इलेक्ट्रिक शॉर्ट्स से बचकर, ठीक है। मिनिमाइज द फायर रिस्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, मिनिमाइज करना फायर रिस्क को ड्यू टू शॉर्ट सर्किट। टू इंश्योर एज फॉर एज पॉसिबल सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन ऑफ इक्विपमेंट एंड अपेरेटस यूज, और इंश्योर करना कि जो भी अपेरेटस इसमें मतलब वायरिंग में यूज़ हो रहा है वो सब इक्विपमेंट वहाँ लगने लायक है कि नहीं, उस मतलब उसका रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है कि नहीं, कि तुरंत ख़राब हो जाएगा, ये सब के लिए भी ज़रूरी है। अब हम
आते हैं आईई रूल में, ठीक है। तो पहला हम लोग क्या है, सर्विस लाइन एंड एपरेटस ऑन कंज्यूमर प्रीमिसेस, द सप्लायर मस्ट इंश्योर दैट ऑल द इलेक्ट्रिकल सप्लाई लाइन्स वायर्स फिटिंग एपरेटस एक्सेट्रा आर इन सेफ कंडीशन एंड इजली एसेसेबल टू द कंज्यूमर। तो क्या होता है, सर्विस लाइन एंड एपरेटस कंज्यूमर प्रीमिसेस, फर्स्ट हम लोग का आई रूल है, जिसमें सप्लायर जो है वो इंश्योर करता है कि जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई हम लोग कर रहे हैं, लाइन्स वायर फिटिंग एपरेटस, वो सब सेफ कंडीशन में है, वो सब इजीली एसेसेबल है, इजीली ओपन कर सकते हैं हम लोग, उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। द सप्लायर मस्ट आल्सो इंश्योर दैट देयर इज नो डेंजर इन यूजिंग द इलेक्ट्रिकल पावर, और सप्लायर ये भी इंश्योर करेगा कि ये मतलब इलेक्ट्रिकल पावर को, मतलब ये सब एपरेटस लगाने के बाद इलेक्ट्रिकल पावर को यूज़ करने में कोई भी डेंजर नहीं है। द सर्विस लाइन विच आर प्लेस्ड ऑन कंज्यूमर प्रीमिसेस मस्ट बी इंसुलेटेड प्रॉपरली, और जो सर्विस लाइन है, जो सर्विस लाइन हम लोग पोल से लेते हैं, उसको कंज्यूमर प्रीमिसेस के हिसाब से उसको इंसुलेटेड वायर से ही लाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का कट आउट ऑन कंज्यूमर प्रीमिसेस, द कट आउट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग, इन केस ऑफ एनी फॉल्ट ऑकर्स द कट आउट कट्स द पावर सप्लाई टू द इंटायर वायरिंग सिस्टम एंड सेव द इक्विपमेंट फ्रॉम गेटिंग डैमेज। कट आउट क्या होता है, कट आउट एक बहुत ही जरूरी पार्ट है इलेक्ट्रिकल वायरिंग में, जो उस समय यूज होता है जब कोई फॉल्ट ऑकर्स होता है, मतलब हाई वोल्टेज किसी टाइम आ गया, तो वो कट आउट क्या होगा, कट कर देगा पावर सप्लाई को और हमारा जो वायरिंग इक्विपमेंट्स है उसको डैमेज होने से बचाएगा, ठीक है। अर्थेड टर्मिनल एट कंज्यूमर प्रीमिसेस, अर्थेड टर्मिनल क्या होता है, द सप्लायर शुड प्रोवाइड अ सुटेबल अर्थेड टर्मिनल is an accessible position at or near the point to supply to the consumer houses. In case of any high voltage installation, the supplier must provide extra earthing to the premises for better safety. The consumer should take all the necessary precaution to save the earth conductor from mechanical damage. तो देखिए क्या होता है, अर्थ टर्मिनल जो होता है, एक तो एक फोटो हम लोग को एसी से मिल जाता है आपका, जो एक फेज वायर आता है और एक आपका न्यूट्रल वायर आता है, वो भी अर्थ टर्मिनल के टाइप का ही काम करता है, और एक हम लोग अपने घर में एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के लिए यूज़ करते हैं, एक अपने घर में ही अर्थिंग कर लेते हैं, ताकि जो एक्स्ट्रा वोल्टेज हम लोग का आता है वो सेफली अर्थ टर्मिनल से होकर के चला जाए और हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ख़राब ना हो, किसी भी टाइप का मैकेनिकल डैमेज हमें ना हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, एसेसिबिलिटी ऑफ बेयर कंडक्टर, तो क्या होता है एसेसिबिलिटी ऑफ बेयर कंडक्टर, व्हेन देयर आर बेयर कंडक्टर यूज्ड इन बिल्डिंग एंड द सप्लायर मस्ट इंश्योर दैट दे आर इन एसेसेबल पोजीशन एंड इवन इफ द दे आर एसेसेबल दे मस्ट बी रेडली कनेक्टेड टू द स्विच दैट रिमेन इन डिल कंडीशन। तो क्या होता है बेयर कंडक्टर, मतलब जो एक तरह से हम कह सकते हैं नेकेड कंडक्टर, ठीक है। तो वो क्या होता है कि हम लोग उसको हमेशा ऐसा जगह में उसको इंस्टॉल करते हैं, मतलब ऐसा जगह में उसको हम लोग लगाते हैं बिल्डिंग या फिर हाउसेज में, जो वो इनएसेसेबल हो, जहाँ तक नॉर्मली पहुँचना, मतलब अगर हम लोग नॉर्मली वहाँ पर नहीं छू सकते, ऐसा जगह में उसको हम लोग वैसा पोजिशन हम लोग उसको लगाते हैं, ठीक है। और उसको एक मेन स्विच से कनेक्ट करके रखते हैं, अगर हमें उसमें कुछ टेस्टिंग करना भी हो, कुछ चेंजिंग करना भी हो, तो पहले हम लोग स्विच ऑफ करेंगे, उसके बाद बेयर कंडक्टर में कुछ काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिकॉशन टू बी अडॉप्टेड बाय कंज्यूमर ओनर इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर एक्सेट्रा। तो प्रिकॉशन हमें क्या क्या अडॉप्ट करना चाहिए एज अ कंज्यूमर, एज अ ओनर, एज अ इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। नो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन वर्क अदर देन व्हाट इज ऑलरेडी कैरिड आउट शैल बी डन ऑन द प्रीमिसेस एक्सेप्ट रिप्लेसमेंट ऑफ फैन ट्यूब लाइट बल्ब एक्सेट्रा विदाउट द परमिशन ऑफ इलेक्ट्रिशियन हु कनेक्ट द वायरिंग इंस्टॉलेशन। तो क्या होता है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन वर्क बिना किसी मतलब जो इलेक्ट्रिशियन है उसके मतलब बिना किसी परमिशन का हमें नहीं करवाना चाहिए कुछ भी चीज़, जैसे कि ट्यूबलाइट बल्ब
आपका फैंस ये सब बिना परमिशन ऑफ जो इलेक्ट्रिशियन है उससे नहीं करवाना चाहिए, ठीक है, ये प्रिकॉशन हमें लेना चाहिए। पीरियोडिकली इंस्पेक्शन, वंस द इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन इज डन देन इट इज कनेक्टेड टू द सप्लाई सिस्टम ऑफ सप्लायर, एवरी सच इंस्टॉलेशन शैल बी पीरियोडिकली इंस्पेक्टेड एंड टेस्टेड फॉर द टाइम पीरियड नॉट एक्सीडिंग मोर देन 5 ईयर्स, बिकॉज एवरी इक्विपमेंट इज डेप्रिकेबल सो इट बेटर टू इंस्पेक्ट एंड टेस्ट। तो क्या होता है, पीरियडिकली इंस्पेक्शन जरूरी होता है, क्योंकि कोई भी इक्विपमेंट का जो लाइफ टाइम होता है 5 ईयर से ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है, तो हमें हर फाइव ईयर में उसको टेस्ट करवाना चाहिए, ताकि आगे चल के उसमें शॉर्ट सर्किट ना हो और शॉर्ट सर्किट होने के कारण फायरिंग ओकर्स ना हो। प्रिकॉशन अगेंस्ट लीकेज बिफोर कनेक्शन, द सप्लायर शैल नॉट कनेक्टेड द इंसुलेशन टू सप्लाई सिस्टम इफ देयर इज एनी लीकेज इन द वायरिंग, मीन्स द प्रॉपर वायरिंग इज नॉट डन, इट शुड बी रेक्टिफाई बाई सप्लायर बिफोर कनेक्टिंग। तो क्या होता है, सप्लायर जो है वो इंस्टॉलेशन के टाइम अगर कोई लीकेज प्रॉब्लम है तो कनेक्शन से पहले ही उसे चेक कर लेना चाहिए और इंश्योर करके उसे ठीक कर देना चाहिए। सप्लायर सप्लाई द कंज्यूमर, सप्लाई टू कंज्यूमर, द सप्लायर मस्ट नॉट कनेक्ट द इंस्टॉलेशन टू द सप्लाई सिस्टम अनलेस इट इज कनेक्टेड थ्रू अ लिंक्ड स्विच और अ सर्किट ब्रेकर ऑफ रिक्वायर्ड कैपेसिटी टू कैरी अ ब्रेक द सप्लाई व्हेन नीडेड आफ्टर द पॉइंट ऑफ कमेंसेंट ऑफ सप्लाई। तो क्या होता है, सप्लाई टू कंज्यूमर, तो सप्लायर जो होता है हमेशा कनेक्ट करता है इंस्टॉलेशन को सप्लाई सिस्टम से अनलेस जब कनेक्टेड थ्रू अ लिंक स्विच और सर्किट ब्रेकर इज रिक्वायर्ड कैपेसिटी टू कैरी द ब्रेक द सप्लाई व्हेन नीडेड आफ्टर द पॉइंट कॉमर्स ऑफ सप्लाई। तो ये देखिए कट ऑफ के जैसा ही है कि सप्लायर जो है वो एक मतलब फ्यूज लगाता है, जिससे हम लोग अगर हाई वोल्टेज होता है तो वो सर्किट ब्रेकर के टाइप का काम करे और सर्किट ब्रेक करके हमारे इक्विपमेंट को सेव करे। इन केस ऑफ इंडस्ट्रीज यूनिट्स एवरी डिस्टिंक्ट सर्किट इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्सेस एनर्जी बाय मीन्स ऑफ सुटेबल कट ऑफ और सर्किट ब्रेकर एंड इट शुड बी रेडली एसेसेबल टू द कंज्यूमर। तो क्या होता है, तो इंडस्ट्रीज में भी हर एक यूनिट में हम लोग कट ऑफ या फिर सर्किट ब्रेकर का यूज़ करते हैं, जो अगर वोल्टेज एक्सीड या डाउन होता है तो उससे वो पता करके तुरंत सर्किट को ऑफ कर देता है और वो रेडली एक्सेसेबल होता है, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा फ्यूज़ ख़राब हो गया तो उसको हम लोग चेंज करवा सके, ठीक है। नेक्स्ट, टेस्टिंग फॉर रेजिस्टेंस ऑफ इंस्टॉलेशन, फॉर टेस्टिंग इंसुलेशन रेजिस्टेंस द पावर सप्लाई शुड बी डिसकनेक्टेड फर्स्ट एंड देन द टेस्टिंग शुड बी डन। तो टेस्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन हम लोग कैसे करते हैं, तो टेस्टिंग ऑफ इंसुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस को करने के लिए पहले हम लोग पावर सप्लाई जो दिया हुआ रहता है उसे हम लोग डिस्कनेक्ट करते हैं, उसके बाद उसका टेस्टिंग को कंप्लीट करते हैं। चलिए 10th पॉइंट और लास्ट पॉइंट, सीलिंग ऑफ मीटर एंड कट आउट्स, द सप्लायर अफेक्ट्स वन और मोर सील्स फ्रॉम गेटिंग डैमेज, द कंज्यूमर शुड ऑलवेज कीप इन माइंड दैट नो सील इज ब्रोकन एट एनी टाइम, द मीटर शैल ऑलवेज बी कनेक्टेड ऑन द आउटसाइड ऑफ द हाउस, द कंज्यूमर मस्ट सी दैट द मीटर इज ऑलवेज इन द रनिंग कंडीशन। तो क्या होता है, सप्लायर जो होता है वो अफेक्ट्स करता है मतलब जो मीटर रहता है उसको एक जगह फिक्स कर देता है, ताकि वो मतलब बार बार ख़राब ना हो सके। और मीटर जो होता है हम लोग हमेशा घर का आउटसाइड ही कनेक्ट करते हैं, और मीटर को हमेशा हमें इंश्योर करना चाहिए कि वो रनिंग कंडीशन में है कि नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, जनरल सेफ्टी प्रिकॉशन इन इलेक्ट्रिकल वर्क, तो जनरल सेफ्टी प्रिकॉशन हम लोग इलेक्ट्रिकल वर्क में क्या क्या लेते हैं, ऑलवेज बी इन अ सेफ पोजिशन टू अवॉइड स्लीपिंग और मूविंग बैकवर्ड एंड अगेंस्ट लाइव कंडक्टर और अपरेटस,
हमें हमेशा सेफ पोजीशन में ये आपका कनेक्शन करना चाहिए घर में या फिर इंडस्ट्रीज में, ताकि हम लोग अगर स्लीपिंग कंडीशन में भी रहे तो हम लोग वो जो कनेक्शन है उसका कांटेक्ट में ना आए। इन केस ऑफ लाइटनिंग स्टॉर्म ऑल द इलेक्ट्रिकल वर्क एंड शुड कीजेस, ठीक है, मतलब क्या होता है कि हम लोग लाइटनिंग और स्टॉर्म के वक्त में ऑल इलेक्ट्रिकल वर्क जो है वो बंद कर दिया जाता। ऑलवेज बी कॉशन एंड टेक प्रिकॉशन, हमेशा हमें एक कॉशन लेना चाहिए और प्रिकॉशन को हमेशा ध्यान में रख के ही इलेक्ट्रिकल वायरिंग का काम करना चाहिए। डू नॉट टच एनी लाइव वायर बेयर हैंडेड, तो हमें किसी भी लाइव वायर को बेयर हैंडेड से कभी भी टच नहीं करना चाहिए। ऑलवेज इंसुलेट योर बेयर फुट विथ स्लीपर्स और शूज बिफोर परफॉर्मिंग ऑन ऑफ पोजिशन, तो हमेशा हमें जब भी स्विच को ऑन या ऑफ परफॉर्म करना रहता है, मतलब उसे ऑन या ऑफ करना रहता है, तो हम इंश्योर करें कि हम स्लीपर्स या फिर शूज पहन करके ही ये सब करें। तो आज के वीडियो में इतना ही, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन को डील करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसका ग्रुप मतलब डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है उसका लिंक, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगा, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। थैंक यू।